हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स विद बनी बैक टेक न्यू वीडियो। ओके सो गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं लोटस सर्वर्स व्हाइट ग्लो ऑप्टिमल यूग्रेड स्किन व्हाइटिंग स्क्रब का। सो गाइस, सबसे पहले मैं इसको ओवरऑल पैकेजिंग के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि 100 ग्राम का पैक है और यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन किया हुआ है, इसका प्राइस है 210 रुपीस। और जैसे कि आपको पता है, कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले उसका एक्सपायरी डेट जरूर देख के लेना। सो गाइस, सबसे पहले मैं इसका बात कर लेता हूँ इंग्रीडियंट्स की। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें काफी सारा केमिकल का भी इंग्रीडियंट्स यूज किया है और काफी सारा नेचुरल इंग्रीडियंट्स का भी यूज किया है। बट मुझे एक चीज अभी भी समझ नहीं आई कि लोटस हर्बल्स दावा करते एक नेचुरल ब्रांड है, बट यहाँ पर काफी सारा केमिकल का यूज है। और मैं बात करूंगा अगर हार्मफुल केमिकल, तो यहाँ पे देख सकते इसमें पैराबिन यूज हुआ है, जो कि स्किन के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जो पैराबिन फ्री प्रोडक्ट नहीं होती है मैं हमेशा रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन ये जो स्क्रब है, अगर आप इसे वीक में 2 टाइम यूज करोगे तो आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, या एक पैक यूज करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। सो ऐसे इस स्क्रब का दावा है कि ये व्हाइट ग्लो फेल करवाता है, सच है। अगर आप कोई भी स्क्रब यूज करोगे, आपका डेड स्किन तो ऐसे ही रिमूव हो जाएगा, तो आपकी स्किन व्हाइट एंड ग्लो दिखेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी जो दावा है कि ये हेल्थी ग्लो करता है, ऐसा कुछ नहीं। हेल्थी ग्लो नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। एक्चुअली अगर आप डेड स्किन रिमूव करोगे तो आपकी स्किन ग्लो दिखेगा। सो मैं बात करता हूँ ये जो व्हाइट ग्लो स्क्रब है, ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वर्कफुल है या हेल्पफुल है, या आपका पैसा वेस्ट होगा या आपका पैसा फायदे में इन्वेस्ट होगा, पूरी डिटेल्स बताएंगे। प्लीज आप वीडियो इन तक देखिए ताकि आपको कोई डिटेल्स मिस ना करना पड़े। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। हम रोजाना इसी तरह प्रोडक्ट का रिव्यू लाते रहते हैं, खुद यूज करके खुद ट्राई करके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आपको स्क्रब कैसे यूज करना है, पहले मैं ये टॉपिक बता देता हूँ। एक्चुअली अगर आप स्क्रब को यूज करना चाहते हो, मैक्सिमम से वीक में 1 टाइम या 2 टाइम आपको यूज करना है, जिससे कि हर किसी को एक स्क्रब यूज करना बहुत ही जरूरी है। अगर वो नेचुरल हो तो अच्छा है, अगर वो केमिकल लाइक भी हो, पैराबिन फ्री हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें पैराबिन है तो आप इसे जेंटली मैसेज कीजिए 5 मिनट तक। उसके बाद एक फेस वॉश से अच्छी तरीके से फेस को वॉश कर लीजिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आप इसे फेस वॉश करने के बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर जरूर यूज करें, क्योंकि अगर आपका डेड स्किन रिमूव हो जाएगा तो आपका न्यू स्किन आएगा, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होगा। और तब तो फेस ड्राई के लिए बिल्कुल भी कपड़ों का यूज ना करें, टिश्यू पेपर का हमेशा यूज करें अगर आप डेड स्किन रिमूव कर रहे हो तो। सो ये जो स्क्रब है उतना तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर इसका पैराबिन का बात करें तो वही मेरे लिए हार्मफुल केमिकल लगता है। लेकिन अगर आप ऐसे यूज करोगे तो ठीक ठाक है। सो अगर मैं बात करता हूँ इसका कॉन्स की, तो मुझे 2 ही चीज कॉन्स लगी है। एक तो इसका परफ्यूम ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें अलग से फ्रेग्रेंस ऐड किया हुआ है। दूसरी, इसका जो हार्मफुल केमिकल है वो है पैराबिन, जो डॉक्टर भी रिकमेंड नहीं करता है कि आपको पैराबिन से हमेशा दूर रहना है, लेकिन ये प्रोडक्ट ठीक ठाक है। तो गाइस, अगर आप इसे प्रोसेस करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये ऑल स्किन टाइप है, अगर आपकी स्किन ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन हो, हर स्किन टाइप वाले इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये प्रोडक्ट ठीक ठाक है, लेकिन इसका एक ही कौन सा जो मैं पैराबिन, अगर आप सोचते हो कि पैराबिन फ्री प्रोडक्ट यूज करोगे तो ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट यूज करते हो, अगर पैराबिन हो तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। सो गाइस, यही था इसका छोटा सा रिव्यू। कैसा लगा आपको रिव्यू, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके सो गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू गाइस मेक श्योर सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।